हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आरआरसी रेलवे ग्रुप डी 2019 में अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित और रेलवे NTPC एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों RRC यानी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा इस साल रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक वैकेंसी दी गई है, जिसका एग्जाम डेट लगभग कंफर्म हो गया है। वहीं रेलवे NTPC की बात करें तो अभी तक रेलवे NTPC का एग्जाम डेट की कोई ऑफिशियल रूप से जानकारी नहीं मिली है। वहीं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे NTPC में वैकेंसी दी गई है और रेलवे NTPC में लगभग 35,000 से अधिक वैकेंसी दी गई है। और इसका एग्जाम की बात करें तो अगर अगस्त में रेलवे NTPC का एग्जाम हो पाती है तो तभी रेलवे NTPC का एग्जाम होगी। अगर अगस्त में रेलवे NTPC का एग्जाम नहीं हो पाती है तो इसका एग्जाम और भी आगे चला जाएगा और रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी उम्मीद है कि रेलवे NTPC का एग्जाम रेलवे ग्रुप डी से पहले हो जाए, लेकिन इस न्यूज़पेपर के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक ओपन किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग यह जानकारी लिए हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी आप लोगों को मिली है। यह जानकारी RRC यानी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा दिया गया है और दो अलग अलग वैकेंसी दी गई है, एक वैकेंसी RRC के द्वारा और एक वैकेंसी RRB के द्वारा दिया गया है। इसीलिए रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट लगभग कंफर्म हो गया है, जिसकी जानकारी आज न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। यानी रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा 15 के बाद संभव, यानी पटना रेलवे की परीक्षा 15 सितंबर के बाद हो सकती है। इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB द्वारा सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। अभी RRB ने ग्रुप डी आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। परीक्षार्थियों का फॉर्म किन कारणों से रिजेक्ट किया गया इसकी सूचना दी गई है। परीक्षार्थी RRB की वेबसाइट पर जाकर आवेदन रिजेक्ट होने का कारण जान सकते हैं। इसके लिए 31 जुलाई तक समय दिया गया है। ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक यानी 1,05,000 से अधिक वैकेंसी दी गई है और इसमें देश भर में 1,20,00,000 से अधिक स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की बात करें तो RRC के द्वारा रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसी दी गई है इसका एग्जाम लगभग 1 माह तक चलेगी। वहीं रेलवे NTPC की बात करें तो अभी तक रेलवे NTPC एग्जाम डेट से संबंधित कोई जानकारी ऑफिशियल रूप से नहीं मिली है और उम्मीद है कि रेलवे NTPC का एग्जाम अगस्त में शुरू हो जाए, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो सकती है। अगर रेलवे NTPC का एग्जाम अगस्त में शुरू नहीं होगी तो फिर इसका एग्जाम डेट आगे चले जाएगी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम होने के बाद ही रेलवे NTPC का एग्जाम हो पाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप लोग तैयार हो जाए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम किसी भी हालत में शुरू होने वाली है। तो दोस्तों यह थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को इसकी जानकारी हो सके। और अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को इसी तरह की जानकारी मिल देते रहें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।